तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कर रहे हैं मार्केट है। ओके, इधर देख सकते हैं एक शोल्डर बने हैं और फिर से इधर हेड बने हैं, और मैं सोच रहा था एक शोल्डर बने के और फिर से हाई करे करके मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट तो कर रहे हैं मार्केट। 18,200 और 18,250 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर मार्केट टिकना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट टिका तो हमको 18,500 तक भी मार्केट देखने के लिए मिलता है डेली टाइम फ्रेम में। तो मगर देखेंगे मार्केट कितना सस्टेन होता है मार्केट। मगर ओवरऑल एजीएस निफ्टी देखा तो एक अच्छा खासा एक मूवमेंट के 18,300 तक मूवमेंट के मंडे एक। हाय हेलो नमस्ते, सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके ट्रेड, दिस इज प्रदीप। आज का वीडियो है वीकली मार्केट एनालिसिस, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में कहाँ कहाँ मूवमेंट करेगा और कहाँ सपोर्ट लेगा और कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे आज का वीडियो पे। एंड करंट वीक में क्या हुआ था, इस वीक में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा बहुत वीडियो लेंथी होगा क्योंकि मैं तीन टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ, इसके वजह से थोड़ा बहुत लेंथी होगा। तीनों टाइम फ्रेम ऐसा है इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए और कोई किसी ने भी मंथली कॉल होल्ड करते हैं वो लोगों के लिए बहुत हेल्प होता है, इसलिए मैंने तीनों टाइम फ्रेम में स्टडी करता हूँ मार्केट। अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए, लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उधर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में मैंने रेगुलरली हर दिन पोस्ट करता रहता हूँ, न्यूज़ के बारे में होगा और अपकमिंग का IPO होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स होगा और मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। आप चाहे तो आप जाके हमारा फेसबुक विजिट कर सकते हैं एक बार, बाद में आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। निफ्टी वीकली चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट में मार्केट एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 3 वीक से मार्केट एक अपट्रेंड मूवमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में तो एक अच्छा खासा एक मूवमेंट किया है और सेकेंड कैंडल आप देख सकते हैं एक डोजी सिमिलर फॉर्म की है, वो भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर। अभी प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ इस वीक का कैंडल, ऑलमोस्ट मार्केट एक अपट्रेंड में जा रहे हैं। मार्केट ओवरऑल मार्केट तो एक बुलिश ट्रेंड तो चल रहा है मार्केट में, वीकली चार्ट में तो एक कंफर्मेशन है मार्केट एक बुलिश ट्रेंड जा रहा है, और ऑलरेडी आप प्रीवियस हाई को देखा तो मार्केट उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है, इसके वजह से एक मार्केट ऊपर ट्रेंड है। आपने भी होल्डिंग करके रखा तो आप होल्ड करके रख सकते हैं मार्केट में। ओके, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड तो चल रहे, मार्केट एक हायर हाई बनाते जा रहे हैं मार्केट, उसका प्रीवियस हाई दिखा तो ऑलरेडी हायर हाई बनाया और फिर से इधर एक हायर हाई बनाया, ऑलमोस्ट कंपेयर टू लास्ट दो प्रीवियस हाई को कंपैरिजन किया तो आप 18,180 तक एक हाई बनाया निफ्टी 50 ने। आप कंपैरिजन किया तो ऑलमोस्ट एक हायर हाई बनाते जा रहे हैं मार्केट ने। ओके, ओवरऑल आप पैटर्न देखा तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कर रहे हैं मार्केट। ओके, इधर देख सकते हैं एक शोल्डर बने हैं और फिर से इधर हेड बने हैं, और मैं सोच रहा था एक शोल्डर बने के और फिर से हाई करे करके मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट तो कर रहे हैं मार्केट। 18,200 और 18,250 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर मार्केट टिकना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट टिका तो हमको 18,500 तक भी मार्केट देखने के लिए मिलता है डेली टाइम फ्रेम में। तो मगर देखेंगे मार्केट कितना सस्टेन होता है मार्केट। मगर ओवरऑल एजीएस निफ्टी का तो एक अच्छा खासा एक मूवमेंट किया 18,300 तक मूवमेंट के मंडे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट एक गैप अप में ओपन हो सकता है। डे चार्ट में तो एक मार्केट एक मेरे को बुलिश ही लग रहे, एक बुलिश रख के जा सकते हैं मार्केट में। ओके, हम 15 मिनट्स में देखेंगे इसको। कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, कल मार्केट एक ब्रेक किया हमने के बाद प्रीवियस दो हाईज था उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुआ है। मार्केट कहाँ हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी होल्ड करके रखा है ना वो लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप मैंने पहले एक सपोर्ट लेवल से ड्रॉ करके छोड़ता हूँ। ओके, अभी फर्स्ट एक सपोर्ट आएगा हमको 18,098 और 18,100 भी सपोर्ट लेवल काउंट कर सकते हैं। 18,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुआ है। अभी इसके नीचे फिर से फिसला तो हमको सपोर्ट आएगा 18,000 का एक सपोर्ट रहेगा मार्केट, क्योंकि बार बार मार्केट उधर ही टिका हुआ है। 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर ही मार्केट टिकेगा और 18,100 के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग हुआ है। अभी हमको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर बाइंग करके जा सकते हैं। 18,170 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग होना चाहिए, इसके ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल ओपन ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ऊपर क्लोजिंग हुआ तो हम 300 टारगेट रख के हम जा सकते हैं मार्केट में, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,060 18,050 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 18,170 के ऊपर हम बाइंग करके जा सकते हैं, एक ऐसे ही ब्रेक होता है हम बाइंग करके जा सकते हैं। टारगेट रहेगा 18,300 तक भी हम टारगेट रख के जाते हैं। अभी लॉन्ग के लिए होल्ड करना चाहते हैं 18,000
500 तक भी आप होल्ड करके जा सकते हैं निफ्टी में। कब सेल कर सकते हैं, 18,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 18,100 कैसे ब्रेक होता है, हम इधर एक सेलिंग करके जा सकते हैं और टारगेट रहेगा 18,000 तक। ये भी टूटा तो हमको नेक्स्ट लेवल रहेगा, 18,800 तक भी जा सकते हैं मार्केट, क्योंकि एक बड़ा गैप अप अभी तक पेंडिंग है, अभी तक कवर नहीं किया मार्केट ने। मार्केट कवर करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि डे चार्ट में आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कर रहे हैं मार्केट, ऑलरेडी शोल्डर और हेड कर चुके हैं और एक शोल्डर बाकी है, माइट बी ओ 17,800 रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी सपोर्ट आएगा 18,000 इंपॉर्टेंट, और 18,100 के अभी तक बाइंग करके रखे आप 18,074 का एक स्टॉप लॉस के जा सकते हैं, होल्ड करके जा सकते हैं। और फ्रेश बाइंग करना चाहते तो 18,170-180 के ऊपर आप बाइंग करके जा सकते हैं, वो भी 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग होने के बाद आप बाइंग करके जा सकते हैं, क्योंकि एक कंफर्मेशन चाहिए, इसीलिए कंफर्मेशन के साथ आप जा सकते हैं। मगर मार्केट तो एक गैप अप में ओपन हो सकते हैं मार्केट, वो भी 18,200 और 18,250 तक भी ओपन हो सकते हैं। और हमारा फर्स्ट रेजिडेंस रहेगा 18,300 का एक फर्स्ट रेजिडेंस रहेगा, क्योंकि 18,300 पे एक अच्छा खासा एक मूवमेंट कर एक साइकोलॉजी लेवल भी है 18,300, और 18,500 भी एक साइकोलॉजी लेवल है, उधर तक भी मार्केट जा सकते हैं, हम टारगेट रख के जा सकते हैं एक लॉन्ग पोजिशन बना के 18,500 तक भी हम जा सकते हैं। निफ्टी 50 है, और हम बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट में तो आप देख सकते हैं लास्ट 2 वीक्स से मार्केट एक साइडवेज में मूवमेंट किया है, एक बेरिश कैंडल बनाया है, और उसके बाद में एक डोजी सिमिलर एक कैंडल क्लोज हुआ है इस वीक में। मगर ओवरऑल मार्केट देखा तो एक ऊपर एक हायर लेवल पे ही मार्केट टिका हुआ है, और हायर लेवल पे ही क्लोजिंग दिया मार्केट ने, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है हायर लेवल पे, एक बिग मूव आने के लिए मार्केट एक सपोर्ट करता है, मार्केट वो 2 वीक से वही सपोर्ट कर रहा था मार्केट। अभी हम बैंक निफ्टी में एक बिग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर ट्रेंड पे, वो भी ऊपर का लेवल 41,500 वो ब्रेक हुआ तो उतना ही सपोर्ट रहेगा, 41,000 और 40,500 का एक इन बिटवीन मार्केट मूवमेंट करता रहेगा इस वीक में, नेक्स्ट वीक में भी। कब तक हम 41,500 ब्रेक नहीं करता अप ट्रेंड तब तक नहीं आता, मगर अभी के लिए मार्केट एक साइडवेज में मूवमेंट कर रहे हैं। वीकली कैंडल में तो एक डबल टॉप ऑलरेडी डबल टॉप रेस्पेक्ट कर रहे मार्केट, अभी इधर ऑलरेडी एक डबल टॉप बना के और फिर से लो बनाया तो ये स्विंग हमारा सपोर्ट रहेगा, और फिर से एक डबल टॉप बना के नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए ये कन्फर्मेशन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 41,500 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, मार्केट एक रेंज में ही मूवमेंट कर रहा था, ओके एक बॉक्स में मूवमेंट कर रहा था लास्ट 2 वीक से, उसके अंदर ऑलमोस्ट 41,500 और 41,800 इसके अंदर ही मार्केट मूवमेंट कर रहा था, और ट्रेंड देख के जा सकते क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस एक मूवमेंट किया और बाद में एक हॉट किया मार्केट ने, इधर हॉट करके फिर से मार्केट ऊपर जा सकते हैं, मार्केट एक स्ट्रांग सपोर्ट तो बना चुका है इधर ऊपर हायर लेवल पे, इसीलिए एक अपट्रेंड दे सकते हैं, 1,000 पॉइंट तक भी जा सकते हैं मार्केट, एक अच्छा खासा एक मूवमेंट देख सकते। 15 मिनट्स में देखेंगे, ऑलरेडी मार्केट एक 41,480-500 एक इंपॉर्टेंट रेजिडेंस है, सपोर्ट है हमारा 40,850-870 ये हमारा सपोर्ट रहेगा, ओके नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 41,100 का, 100 के ऊपर ही मार्केट सपोर्ट करके उधर ही मूवमेंट किया मार्केट ने, एक स्ट्रांग सपोर्ट बना रहे हैं, मगर अपर ट्रेंड में देखा तो कंटिन्यूस एक मार्केट रेस्पेक्ट किया 41,480-500 को कंटिन्यूस मार्केट रेस्पेक्ट किया, एक बार ब्रेक किया मगर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से एक बॉक्स में आके मार्केट एक क्लोजिंग दिए, और ऑलमोस्ट 2 वीक से यही जोन पे है। अभी इफ सपोज हम कब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं मार्केट में, फ्रेश बैंक तब भी कर सकते हैं हम, ए लेवल के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेक होके एक सपोर्ट करना चाहिए, ब्रेक करके सपोर्ट किया तो इसे इधर हम बाइंग करके जा सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, ओके अभी हम इसके ऊपर ही बाइंग करके जा सकते हैं। और कब सेलिंग कर सकते हैं हम 41,100 के नीचे ब्रेक किए तो हम 40,850 का एक टारगेट रख के हम सेल करके जा सकते हैं, और इधर भी एक रिवर्सल हो सकता है, मार्केट सपोर्ट करके ऊपर भी जा सकते हैं, ओके इफ सपोज ए लेवल भी टूटा तो 40,600 का एक सपोर्ट लेवल है, उधर तक भी मार्जिन जा सकते हैं, मगर सेलिंग तब कर सकते हैं 41,100 के नीचे फिसला तो मार्केट, और टारगेट रहेगा 40,850। और कब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं हम 40,400-500 के ऊपर ही हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, वो भी उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद ही, अभी तक आप होल्ड करके रखा तो
आपका स्टॉप लॉस होगा 41,100 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, आप होल्ड करके जा सकते हैं। और लॉन्ग पोजिशन बनाए तो आप 42,000 का आपका टारगेट रहेगा और 41,100 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इसके नीचे फिसला तो आप 40,850 का एक सेल करके जा सकते हैं। ये लेवल्स रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.